गढ़वा बैराज थाना क्षेत्र के परसही गांव निवासी फागुनी रविदास से थाना क्षेत्र के सोनपुरवा बस पड़ाव से सोमवार की शाम 6 बजे चार अपराधियों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर 15,000 नगद एवं उसका बैग लूट लिया। घटना के संबंध में फागुनी रविदास ने बताया कि अपने परिजन के साथ मोटरसाइकिल से रेहला जाने के लिए टेम्पो पकड़ने गढ़वा बस स्टैंड उतरा था। वहां से उसे कोलफील्ड रजरप्पा जाने के लिए रेहला से ट्रेन पकड़ना था। वह कोलफील्ड में काम करते हैं। फागुनी रविदास अपने घर से सोमवार को रजरप्पा जाने के लिए नगद 15,000 रुपए कपड़े से भरा बैग लेकर सोनपुरवा बस स्टैंड में पहुंचा था। शौच करने के लिए तालाब की ओर गया था, जहां पहले से चार अपराधी घात लगाए बैठे हुए थे। तालाब के पास जाते ही उक्त लोगों ने मारपीट कर बैग एवं पैसे लेकर भाग गए। इसके बाद फागुनी रविदास ने घटना की सूचना मोबाइल पर अपने परिजनों को दी। परिजनों ने वहां पहुंचकर उसे इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बस हम पूरा बस स्टैंड में अच्छा कितने लोग थे? हाँ कितने लोग क्या बैग में ये आई डी कार्ड था हमारा जो इनकम टैक्स वाला और सी सी एल के हमारा पासबुक था तो सी सी एल के भर्ती का कारण उसका एजेंडी कार्ड सी सी एल के एजेंडी कार्ड फोटो उसमें था हमारा कहाँ है फोटो था और कागज कुछ उसमें था सर और दावा था हमारा ये क्या कहना कि बी पी का दावा चलता सर का दावा था सर महीना भर का दावा नाम क्या जी आपका फगनी रविदास परमिशन कागज था मेरा छूटा हुआ परमिशन गलत हो गया था तो परमिशन गलत हो गया तो मैं साहब को फोन किया तो बोले कि आप सोमवार को भेंट कीजिए तो मैं सोमवार को भेंट किया 10:30 से 11 बजे तक वहाँ से सामान लिए तो उसमें लेते सामान 2 बज गया 3 बज गया नाश्ता उस्ता करते फिर बोले हम कि चलिए घरे फिर कहे कि नहीं बेटा इंटरसिटी पकड़ते अपना ड्यूटी पकड़ने के लिए रजरप्पा इनको जाना था जी रजरप्पा हम कोलफील्ड में नौकरी करते हैं तो 3 बजे इनको छोड़े हम मझिया मोड़ में अरे हम हमको बोले कि जाइए आप लोग घरे हम यहाँ से घटना कहाँ घटी ये ना सर आपको घटी है ये हम क्या बोलते हैं बस स्टैंड में सोनपुरवा बस स्टैंड में गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।